सुप्रभात बच्चों, आपकी हिंदी की कॉपी में मैंने आपको सुगम भारती का पाठ 1 से 5 तक करवा दिया है। उम्मीद है आपने काम पूरा कर लिया होगा। अब मैं आपको कॉपी में इसमें ग्रामर करवाने जा रही हूँ। ग्रामर में पहला पत्र आपको लिखवाऊँगी। पत्र में आपको इसी कॉपी में जो आपने हिंदी की कॉपी बनाई है उसी कॉपी में लिखना है, अलग से इसके लिए कॉपी नहीं बनाना है। जो चैप्टर कंप्लीट हो गया है 5 लेसन तक, उसके बाद आपको ये पत्र लिखना है। तो ये पहला पत्र है आपको बड़े भाई की शादी में जाने के लिए प्रधान अध्यापक को पत्र लिखना है। आपको छुट्टी के लिए पत्र लिखना है भाई की शादी में जाने के लिए, तो इसको लिखेंगे आप सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में आपको लिखना है ये सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय। और जो ये इसमें लिखा हुआ है टाउन उच्च विद्यालय मुंगेर, इसकी जगह आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, वर्तमान कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। और ये द्वारा वर्ग शिक्षक ये आपको नहीं लिखना है, बस उसके नीचे आपको लिखना है विषय अवकाश के संबंध में, और उसके नीचे ही लिखना है लेफ्ट हैंड साइड पर ही आपको महोदय सविनय निवेदन यह है कि मेरे बड़े भाई की शादी 25 अगस्त को होने जा रही है। 25 अगस्त की जगह आप कोई भी डेट आप लिख सकते हैं। इस शुभ मुहूर्त पर मेरे परिवार वालों के साथ मेरी उपस्थिति भी अनिवार्य है, अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुझे 23 अगस्त से 28 अगस्त 23 अगस्त 23 24 25 26 27 28 में 6 दिन के लिए अवकाश मांगा है। आप इसको अपने हिसाब से, आपको जो डेट देंगे आप शादी के लिए, उस हिसाब से आपको इस छुट्टी की भी डेट आपको डालनी है। जैसे परीक्षा के टाइम की भी डेट आप डाल सकते हैं, आप 2 दिन की छुट्टी दिया है तो 2 दिन का भी टाइम डाल सकते हैं, 4 दिन की छुट्टी दिया है तो 4 दिन का भी टाइम डाल सकते हैं, इस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। तो 23 अगस्त से 28 अगस्त तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें ताकि मैं अपने बड़े भाई की शादी में सम्मिलित हो सकूं। और आगे इसमें लिखना है कि जिसके लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूंगा। ये आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। उसके बाद फिर लेफ्ट हैंड साइड पर ही उसके नीचे 2 लाइन छोड़ के कॉपी में उसके नीचे लिखना है आपका विश्वासी छात्र या आपका आज्ञाकारी छात्र। लड़कियां इसमें छात्रा लिखेंगी, उसके बाद अपना नाम लिखेंगी, कक्षा लिखेंगी, कक्षा इसमें 10 लिखा है, आपको अपनी कक्षा 8वीं लिखनी है 8। और क्रमांक आपको लिखना जरूरी नहीं है, दिनांक जिस डेट पे आप ये पत्र लिखेंगी उस दिन का आपको डेट डालना है। इसके साथ ही आपका ये पत्र कंप्लीट हो गया। आप इसको कॉपी में लिख के रखेंगी और कॉपी पूरी कंप्लीट करेंगी। पाठ 1 से 5 तक आपको कंप्लीट करना है और उसके बाद ये पत्र लिखना है आपको।